बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, खुश आमदीद। सुबह का जी नाश्ते का टाइम हो चुका है और इमरान भाई के लिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सुबह का नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाह करें भाईजान, फिर दे मैं आ रहा हूँ, मैं कंघा कर लूँ। और चाय हुई पड़ी है तैयार? हाँ जी, चाय बिल्कुल तैयार है, मैं गर्म करके लेके आ रही। हाँ जी, आप चाय तैयार करें, ले आएँ चाय हम, क्योंकि ना देर हो रही है जी। टाइम पे पाबंदी ज़रूरी है, लेकिन आज फिर देर हो रही है हमारी। चलें, बिस्मिल्लाह करें भाई। मैं आया सिर्फ दो मिनट में, आया हल्का थोड़ा सा, बस मैं एक दो टुकड़ा लगाता हूँ, बस चाय का शौकीन हूँ, चाय मिल जाए। नीचे उतरो मासूम फातिमा, दे दो कंघा, दे दो इसनों भी, तो दीता करो कदी गरीब ने। मासूम फातिमा से पूछना क्या क्या लेना है इसने, क्या लेना है मासूम फातिमा, उधर मुंह करो, क्या लेना है, उधर ऐसे करो, ऐसे आपने क्या लेना है, ऐसे खले हो तो कचौड़ियां लेनी, क्या लेना है, हैं चूनियां, चूनियां लेनी है इसने, शादी में जाना है। सुबह से कह रही है चूड़ियां लेनी है, जूती लेनी मैंने। हाँ। अल्लाह देगा ना फिर लेंगे, अभी फिलहाल कुर्बाश हैं। अभी जी पहुंच गया हूँ सुगना सिस्टर के पास, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, रात शौकत भाई के अचानक से फिर कान में जो है ना पेन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा, तो हॉस्पिटल में खाली दवाई वगैरह लेकर आई हैं। बंदा कौन कौन सी दवाई खाए, कौन कौन सी दवाई करे, बंदा परेशान ही हो जाता है। अब कैसी है तबीयत? रेशा है ना, दाना है ना, वो नहीं, अब कान के डॉक्टर को दिखाती हूँ जाके। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? अब तो लेटी में बेहतर है बस। अब तो साथ ना लेके जाऊँ ना जी, साथ तो ना लेके जाऊँ ना, क्योंकि ना तबीयत नहीं। हाँ, हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कल तो इसलिए लेकर गए ना, चलो भाई दिल बहल जाएगा, लेकिन माशाल्लाह सारा दिन जो है ना भाई शौकत परेशान नहीं हुआ। आप आए ना, बस जस्ती फिर उल्टी कर दी, उल्टी कर दी, आहिस्ता आहिस्ता से ना दवाई जो है टाइम पर दें और परहेज करें, और जो वर्जिश है ना रोजाना जो है ना 4-5 कदम 15 कदम, बस आज नहीं हिम्मत, ही कह रहा मेरा दिमाग फट रहा, मेरे से नहीं, वो कान के दर्द की वजह से। चलें, अल्लाह खैर करेगा, दवाई लेकर आए भाईजान की, चेक करवाएं, अल्लाह पाक आराम देगा। अब जाते हैं भाई इमरान के साथ जिस काम के लिए, अपने बहन भाइयों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे हमारा काम कंप्लीट होगा। अल्लाह पाक खैर करे, सबका भला सबकी खैर। आप अपना देखें, जो हमने काम जाना है भाई मकबूल को यानी के साथ लेके जाते हैं ना, अल्लाह खैर करता है। ठीक है, आप कर लें काम वगैरह। आमना की कॉल आई हुई थी, चलें फिर कर लें बात, अल्लाह पाक खैर करे। ठीक है, कर लें बात उनसे। अब जी आ गई हैं राबिया सिस्टर के घर, यहाँ पर जी दोपहर का खाना खाना है हमने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरा पुत्र, ठीक हो, तबीयत सेहत ठीक है? हाँ जी बच्चा पालती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, तबीयत ठीक है? क्या बना रही हैं? चिकन बना रही हूँ, माशाल्लाह थोड़ा है, ये तो एक बंदा ही खाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, आपके लिए बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। अच्छा चलो माशाल्लाह, काम हो गया जी माशाल्लाह, खैर मुबारक, शुक्र अल्लाह पाक का खैरियत से। और यहाँ पर खाला जी के लिए जी कज़न ने बनाया है चिकन, और क्योंकि ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना खाला का, तो उसके हिसाब से जो है ना खुराक वगैरह खाना पीने का जो सिस्टम है ना, इन्हीं को पता है किस तरह करना होता है। पानी पिला दो बेटा। यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी कज़न है, साथ हेल्प करवा रही हैं, टमाटर और सलाद वगैरह का सामान बना रही हैं। और यहाँ पर राबिया सिस्टर ने जो है दोपहर का खाना शुरू कर दिया है, चिकन अच्छी तरह से धो लिया है, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ओए लगाओ लगाओ लगाओ, क्या बना रही हैं? चावल बना रही हैं, पुलाव पुलाव, वो बिरयानी कह रही है। चलो कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने जाना है पीछे, काम भी बहुत सारे हैं। चलें इंशाल्लाह, बस जैसे ही चिकन भुनाई होगी फिर ये मेरे ख्याल छोलवा लगाना होता है, चावलों को पोस्ट दे दी है। चलें माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर पोस्ट लगा के राबिया सिस्टर ने चावल रखे हुए हैं। चल ठीक है,
क्या देते हैं। चले माशाल्लाह, क्या खा रहे गंदे। ये नहीं लिफ्ट कराता मुझे, बाकी सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेहनत करने के बाद अल्लाह अल्लाह करके जी खाना जी दोपहर का तैयार हो चुका है। और यहाँ पर राबिया सिस्टर जो है अब खाना डाल रही हैं, और यहाँ पर जी दस्तरखान लगा दिया गया है माशाल्लाह से। पप्पू भाई ने बहुत ही प्यारी सलाद जो है घर में ही जो है सिस्टम उससे बनाई है। चटनी भी आ गई है, चावल भी आ गए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। और राबिया बेटे आपने ना खाना दे के ना चाय बना लेनी है, क्योंकि आप कब से चाय चाय बोल रही थी। हमने यही प्रोग्राम बनाया हुआ था खाना खाने के फौरन बाद थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे। ओके हो गया जी। भाई जान आप भी बैठे ना, बैठे साथ बैठे। मेरी तरफ से आमना सिस्टर को और भाई इमरान को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक तो माशाल्लाह से प्यारे बहन भाइयों आपको बता देते हैं, आमना सिस्टर जो हैं इन्होंने माशाल्लाह से चौक आज़म जहाँ पर हमारी राबिया सिस्टर पप्पू भाई तो आपको पता ही है जानते हैं, और काके भाई को भी आप जानते हैं, यहाँ से माशाल्लाह से आमना सिस्टर ने 5 मरले जो जगह है वो ली है। क्योंकि यहाँ पर जब मैं पहले आया था जगह पसंद कर रहे थे, तो मुझे ये वाले जो जगह है सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। जब इमरान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, कल भी हम यहाँ पर लेकर आए थे इमरान भाई को सामने वाला जो ये आपको ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं ये वाली जगह पसंद आई थी, यानी कि मेन पर जगह पसंद आई थी। लेकिन मेन पे मसला ये है, क्योंकि इनकी वीडियो का मसला है, इन्हें व्लॉग बनाना होता है, तो आमदोरफ्त की वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहा था। ये वाली जो जगह है ना खामोश जगह है, साइड पे जगह है अपनी वीडियो की, जो है ना इनकी तंगी भी नहीं होगी। माशाल्लाह से जो ज़मीन के मालिक हैं यहाँ के, ये सियासी हैं और बहुत ही अच्छा असर व रसूख रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मामलात हैं तय पा चुके हैं, और हमने ये वाला जो 5 मरले के 5 लाख रुपए जो हैं हमने अदा कर दिए हैं। हमारे जो कानूनी तकाजे हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही निहायत शरीफुल इंसान है। सामने वाली जो आपको ये वाली कोठी नज़र आ रही है ये मालिक हैं इस ज़मीन के, तो माशाल्लाह से 5 लाख अदा कर दिए हैं। बाकी जो पैसे हमने अदा करने हैं 4 महीने का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, 4 महीने में बाकी जो पैसे हैं हमने इंशाल्लाह ताला इनको अदा करनी है। बाकी बात है ज़िंदगी की, ज़ुबान की, कोशिश करेंगे अपने टाइम पर जो है ना पैसे अदा कर दें। अल्लाह पाक आमना सिस्टर के भाई इमरान के अल्लाह पाक कारोबार इसके जान सेहत में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक जो है ना इनको खैरियत से ये मामला तय हो जाए। और मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा जिस बहन ने आमना सिस्टर को ये ज़मीन लेकर दी है। मुझे इतने मालूमात नहीं है उन बहन की, लेकिन इतना पता है आप जो है अमेरिका में रहती हैं, तो आप ही आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपने आमना सिस्टर को जो 5 मरले ज़मीन लेकर दी है, बहुत बहुत। क्योंकि सब सेहरा जो है आप पर जाता है, मेरी तरफ से, इमरान भाई की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, जजाए खैर दे। आपने बहुत बड़ा ये काम किया है, हमेशा खुश रहें, कभी भी दुख ना आए। चलें भाईजान, ठीक है जी। और ये भाईजान जो हैं हमारे, यानी कि लेन देन मामलात में इन्होंने बहुत ही किरदार अदा किया है। अल्लाह पाक इनको भी जजाए खैर दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और ईमानदारी से इंसान जब काम करता है तो अल्लाह पाक खुद पे खुद बरकत फरमा देता है। जजाकअल्लाह खैर जी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आप माशाल्लाह पंजाबी बोलते हैं, और माशाल्लाह हमारा जो भी लोग देखने वाले बहन भाई हैं बहुत से जो है ना वो पंजाबी भी देखते हैं, सराइकी स्पीकिंग भी देखते हैं, सिंधी ज़ुबान भी देखते हैं, जितनी भी ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं सभी ज़ुबानें जो है ना माशाल्लाह से हमारा भी लोग देखते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हाँ जी, आप तो उधर क्योंकि हाफसाबाद में पंजाबी बोलते हैं ना गली में, घर में उर्दू बोलते हैं। हाँ जी, चलें भाईजान, ठीक है जी। आई साहब बड़ी मेहरबानी, खुश रहें जी। ये वाला प्लॉट है, ये सामने आप थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं जगह। ये वाली जो आप दीवार देख रहे हैं
इस दीवार से हमने दीवार उठानी है और पीछे से दीवार उठानी है, फिर यहाँ पे जो हमारा नाप आएगा यानी कि फीता काटा जाएगा, जगह काटी जाएगी, यहाँ से फिर हमारी ये क्या बोलते हैं पर्दी आ जाएगी। और 15 फुट की गली है ये वाली जो है ना, 15 फुट की गली है, यहाँ से ये ऐसे जाएगी, ये फिर मेन पे चली जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी चलें। ये माशाल्लाह से खाना वगैरह खा लिया है और काफ़ी गपशप की है, चाय वगैरह भी पी ली है, काम जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा हो चुका है। अब जी चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, घर की तरफ रवाना होते हैं। हाँ जी अभी हैं, बाद में जाएंगे। चलें ठीक है जी, सबको सलाम देना भाभी। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, अच्छा मामी जी तू भी जाके सबको दुआ सलाम दे। अच्छा वालेकुम सलाम, अल्लाह सेहत दे तंदुरुस्त। आमीन आमीन, आपको भी अल्लाह पाक से सेहत और लंबी जिंदगी दे आपको। अब आओगे ना, दावत तो आई हुई होगी आपको। मुझे तो आई हुई है, देखेंगे। अच्छा चलें, अल्लाह खैर करेगा। जाने अभी कहीं कहीं अभी शुरू हो रही हैं और काफ़ी कई जगह यानी कि हो भी चुकी हैं। और यहाँ पे रुकी है सिस्टर जी, सबके लिए चाय बनाने लग रही हैं क्योंकि भाई शौकत भाई भी बैठे हैं और सदीक भाई बैठे हैं और भाई इमरान भी बैठे हैं और मुनीत के पापा भी और शहबाज भी गए हैगा, वो भी किसी काम से भेजा है तो वो भी आता है, उनको चाय वगैरह देते हैं। तो दूध मंगाया, शुक्र है वहाँ से दूध मिल गया। हाँ और वो रुकी है सिस्टर, वो भाई के लिए फीकी चाय निकाल देना, भाई शौकत भाई के लिए। याद आ गया, बस ये ख़ास तौर पर ना ख्याल करा करो भाई की चीज़ों का, ये चीज़ें ना भाई को ना नुकसान देती है ज़्यादा। फिर ज़ाहिर बात है फिर तकलीफ फिर हमें ही होती है, फिर बीमार होता है फिर भाई। हाँ सही है, बस से तबीयत चाय वाली ना शुगर फ्री गोली होती है वो लेके आना। पहले तो मैंने ली थी जब अस्पताल गए थे ना। अच्छा तो मैं लेकर आई थी छोटी 120 130 की आधी थी, छोटी भी लगी। हाँ जी हाँ जी, तो वो बस अंदर रखी है, अंदर से गायब हो गई बस, घर को ही छान मारा मैंने, पता नहीं बच्चों ने पेटी के पीछे गिरा दिए कहीं, क्या पता कुछ चूहे छुए लगे हो, पता नहीं, कोई पता भी नहीं है कि वो होती मीठी 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 है, क्या पता कोई बच्चों ने खा लो, पता भी नहीं शायद। बच्चे तो खैर नहीं खा सकते, वो मीठी है। अच्छा वो उसकी डब्बी होती है वो छोटी सी ना, छोटी सी खोल के ना चम्मच गोली में डाल के ना सही है करते हैं उसको। ठीक है, वो पता नहीं है वो शायद क्या पता पेटी वगैरह जब हम जगह चेंज करेंगे तो। हाँ जी शायद, हाँ स्पाइस वही करेगी शायद निकल जाएगी। सही है, और यहाँ पे कहवा भी पक चुका है, अब यहाँ पे डालने लगे हैं दूध। माशाल्लाह ये दूध भी मंगाते हैं ना, माशाल्लाह अच्छा दूध मिल जाता है और अच्छी चाय बन जाती है गाढ़ी गाढ़ी। हाँ जी, जैसे भाई हम लोग सब पीते हैं ना चाय, एक और डाल लो अच्छी बन जाएगी ज़रा चाय ना ज़बरदस्त। बाकी ना दूध जी पतला लग रहा है। अच्छा कर दिया पतला, बस वो जिस टाइम आप यानी कि अभी असर का टाइम हो रहा है ना, तो सुबह का टाइम तो सारी बात है हर किसी का बिक जाता है दूध, फिर जो बाद में दूध रह जाता है वो उठा के फ्रिज में रखते हैं। उठा के अक्सर उबाल के भी रख देते हैं थोड़ा सा किंगाल वगैरह। हाँ जी, गाढ़ा मांझा का दूध होता है ना, गाढ़ा का जो हाँ जी ताज़ा सोया हुआ तो वो सही होता है। हाँ जी, बस उस टाइम कभी हम चले जाते हैं कभी नहीं जाते, थोड़ा सा दूर है बच्चे भी चलने में। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, पैदल जाओ तो फिर बंदा आराम से चला जाता है। तो जारी बात जरा बच्चा रोज रोज ले जाने वाला तो वो कहता है मम्मा जी आप ये मुझे क्या काम बताए, रोज दूध बताते दूध लेके आओ जाके। तो बस बच्चों ने फिर आके फिर स्कूल भी जाना होता है, फिर टाइम यानी कि काफ़ी हो जाता है। चलो फिर ठीक है, रुकिए सिस्टर आप चाय वगैरह अच्छे बना लो अच्छी तरह, और हल्की पत्ती भाई जन ने कहा हल्की पत्ती, हाँ क्योंकि भाई जन को नुकसान देती है। चलो ठीक है, मैं धो देती हूँ। हम हो चुका है और सूरज भी अब ने यानी कि भाई अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होने लग रहा है, और यहाँ पे मैं मसाला वगैरह रखा है तो प्याज भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैं काटने लग रही मिर्चे भी मंगाई थी तो कुछ सब्ज हो गई, कुछ सब्ज हैं कुछ यानी कि अभी लाल हो चुकी हैं। मेरे से ले लेना, आ जाइए ना। अच्छा ताज़ी हैं, पापा लेकर आए थे। अच्छा प्याज का तो मैंने ना प्याज के साथ मंगवाई है ना। अच्छा, वो हरी हरी डाल लेना। हाँ जी, क्योंकि ये तो फिर अंडे प्याज डाले फिर उसमें डाल लेता है। हाँ जी, वो ताज़ी है उसमें से डाल लेना। भाई सदीक और मुनीत के पापा और भाई सदीक और शौकत भाई ये गए हैं अब यानी कि भाई दवाई लेने गए हैं भाई शौकत भाई की, तो अल्लाह खैर करे आ जाएंगे। तो रुकिए सिस्टर, ये आप मंजी वगैरह सीने लग रही है, टूट गई है ना, टूट रही है, मैंने कहा जब तक अभी
बाहर नहीं लेके आते इतना, तो इसको जरा मजबूत करें ताकि अच्छा, ये फिर बैठने के लिए। ये भी आपकी काफी अरसा चल गई है ना जी माशाल्लाह। ये शौक आजम की गली है माशाल्लाह। शौक आजम भी आपको साल डेढ़ साल तो हो गया आए हुए? हां जी डेढ़ साल हो गया, अब खत्म हुई है। अब बस ये अल्लाह ताला भाई को सेहत वाली जिंदगी दे। सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जैसे भाई जन पहले थे वैसे इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह भाई जन काम पे जाएंगे। फिर इंसान जब काम पे जाता है ना फिर ना इनके भाई सही रहता है। कहते नहीं मंजी पे लेटे 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 इंसान ना बस आवाजार हो जाता है। जो इंसान चलने फिरने वाला होता है, काम करने वाला होता है, बाकी तबीयत सेट होगी सिर्फ इंशाल्लाह। कान की डॉक्टर के पास जाके गए हैं, कान चेक करवाएंगे इंशाल्लाह, फिर बताएंगे इंशाल्लाह, फिर कान वगैरह साफ करवाएंगे। हाँ जी फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर सही है। और क्या सच्चा जी आप ये वीडियो का एंड कर लो। हाँ जी ये थी आज की जबरदस्त वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। गर्मी लग रही है मुर्गियों को बहुत ज़्यादा।